सही है। तो अब जो है थोड़ा थोड़ा जो है हम क्वेश्चन के पैटर्न की तरफ जो है ना शिफ्ट होते हैं। सही है कि हम अगर हमें हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस तरह से सॉल्व किया करेंगे। सही है, ये तो वो क्वांटिटी थी कि जिन क्वांटिटीज का आपको फॉर्मूला याद है। सही है, वो आपसे क्वेश्चन, अगर इन 24 क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटी वो आपको देगा तो वो बोलेगा कि भाई ड्राइव द बेस क्वांटिटी या ड्राइव द बेस यूनिट ऑफ समथिंग लाइक पावर निकाल दो। सही, वो फॉर्मूला नहीं बताएगा आपको, वो बता देगा कि भाई पावर दी हुई है, आप पावर निकाल दो, बस ड्राइव द बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट ऑफ द पावर। सही, सो पावर आप देख लो, पावर कहाँ पे, पावर आपके पास है, पावर ये आ रही है। सही है, सो आपको बेसिकली ये वाला यूनिट प्रूफ करना होगा। सही, कैसे प्रूफ करना है मैंने समझा चुका हूँ, कल वाली क्लास में पूरा समझा दिया था। सही, आज भी थोड़ा सा समझा दिया, तो आई होप समझ में आ गया होगा। सही है, तो वो तमाम फॉर्मूले जो कि आपने सिलेबस के अंदर पढ़े होंगे एएस के, उन तमाम फॉर्मूले में वो सिर्फ क्वांटिटी का नाम बताएगा और बोलेगा कि इसका बेस यूनिट निकाल दो। सही है, और वो ये अज्यूम करेगा कि बच्चे को फॉर्मूला पहले से पता होगा। सही है, और इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी हो सकते हैं जो कि आपने एएस में नहीं पढ़े। सही, वो ए2 के अंदर है, तो उसके अंदर वो क्या बोलता है, उसके अंदर वो ये बोलता है कि भाई वो आपको फॉर्मूला दे देगा पहले से, और वो आपको बोलेगा कि भाई बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सही है, समथिंग कोई अननोन है इस फॉर्मूले के अंदर, उसको आपने निकाल देना है, बाकी सारी चीजें वो बता देगा। सही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता अच्छा, उससे पहले उस चीज पे आने से पहले एक चीज तुम्हें बस ये पता होनी चाहिए, वो हमारे पास है होमोजेनेटी। होमोजेनेटी ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। सही है, होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, देखो दुनिया के अंदर जितनी भी इक्वेशन है या तो वो सही होंगी या तो गलत होंगी। सही है, अब अगर तो वो सही है तो आप कैसे उसको प्रूव करोगे कि वो सही है। सही है, तो उसको प्रूव करने का ये तरीका होता है कि आप उसका होमोजेनिटी टेस्ट कर लेते। सही है, कि उसकी जो राइट साइड आ रही है, उसकी जो राइट साइड है इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू के दूसरी तरफ जितने भी यूनिट है, अगर तो वो सारे सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि योर इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड योर इक्वेशन इज करेक्ट, राइट, और अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब इक्वेशन गलत है। सही है, तो ये कहता है हमें कि भाई यूनिट्स ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। सही है, तो अब पेपर में वो जब भी तुम्हें कोई भी इक्वेशन दिया करेगा वो हमेशा होमोजीनियस होगी। मतलब तुम ये नहीं कहोगे फिर पेपर में कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि राइट हैंड साइड पे जो यूनिट है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सही है, तुम इसमें ईमान ले आओ के जो है ना वो हमेशा इक्वेशन होमोजीनियस ही होनी है। सही है, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। सही है, ये इसकी ना पहली कहानी हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, मैंने एक ना एक फॉर्मूला लिख दिया तुम्हारे लिए कि भाई एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। सही है, मैंने तुम्हें लिख दिया ये फॉर्मूला। सही है, मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास एफ क्या है, एफ इज द फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, मेरे पास एम क्या है, बड़ा वाला एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट। सही है, छोटा वाला एम भी मास ऑफ द प्लैनेट, दोनों मासेस हैं। सही है, और आर मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। सही है, और मेरे पास एक और गंदी सी चीज लिखी हुई इक्वेशन के अंदर जिसको हम कह रहे हैं जी, विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सही है, इट्स यूनिट इज अननोन, हमें यूनिट निकालना है। सही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, यूनिट निकाल दो इसके। सही है, फाइंड फाइंड द एस आई
बेस यूनिट ऑफ ऑफ जी। सही हो गया। अब देखो तुम्हें ना, तुमने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा बचपन में, सही है ना, तुम्हें तुमने इसकी कोई कैलकुलेशन की है अभी तक, और ना ही एएस के अंदर पढ़ोगे, ए2 के अंदर फॉर्मूला आता ही है, सही है। लेकिन तुमने नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्मूला ये है, सही है। इसके अंदर मैंने तुम्हें सारी जो जो चीजें इस्तेमाल होती वो भी बता दी, सही है। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें क्या निकालना है, अगर तुम्हें जी का यूनिट निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे बच्चों? तुम लोग ट्राई कर सकते हो, बताओ प्लीज। जी सर, जी ओके को सब्जेक्ट बना देंगे और फिर बाकी को अलग से निकालेंगे। ओए होए, क्या ही बात है भाई, निकाल के दिखा दे यार, वेरी गुड। ओके सर, कर दें। ओके अच्छा देखो, इसमें जो है ना कुछ ना बड़ी आसान सी चीजें, वो सबसे पहले ना तुम लोग समझ लो, वैसे तुम्हारे जहन में होनी चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है कि जो है ना जिस चीज का यूनिट निकालना है उसको सब्जेक्ट बना लो, सही है। सो मेक जी द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा स्टेप तुम्हारे पास क्या होगा कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी नोन क्वांटिटीज हैं उनके बेस यूनिट लिख लो, सही है। राइट डाउन द बेस यूनिट्स ऑफ ऑल द नोन क्वांटिटी, राइट। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट करो करो सॉल्व करो और आंसर बताओ, सही हो गया। ये तीन काम तुमने करना, तो आ जाओ भाई इन्हीं तीन काम को करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। भाई आसान हो गया क्या? पहला स्टेप एफ आर अभी नहीं स्क्वायर, बनता मैंने क्या। ओके ओके ओके, एम और एम इज इक्वल टू जी, सही हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको पता है फोर्स क्या होती है, अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं। अगर फोर्स का यूनिट नहीं याद आ रहा तो उसका फॉर्मूला याद कर लो। फोर्स का फॉर्मूला हमने कहा था कि भाई मास इंटू एक्सेलरेशन, सही है। हमने फोर्स के फॉर्मूले में कहा था मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमारे पास क्या होता है, केजी के अंदर मेजर होता है, सही। एक्सेलरेशन हमारे पास किसके अंदर मेजर होती है, अगर एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला नहीं याद तो एक्सेलरेशन का अलग से लिख लो। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है डेल्टा वी वेलोसिटी ओवर टाइम, सही है। अब अगर वेलोसिटी का भी नहीं याद तो वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम से तुम्हें वेलोसिटी पता चल जाएगी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका टाइम क्या आ गया, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सही है। सो एक्सेलरेशन की जगह तुम ये रख दोगे, सही हो गया। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, सही है। चलो, और तुम्हें आर, आर क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस है, सही है। देखो अब डिस्टेंस किसी भी उसके अंदर हो सकता है, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, आर एल ई एक्स ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन तुम्हें जो है उसका यूनिट पता होना चाहिए कि वो हमेशा मीटर के अंदर मेजर होगा, सही है। सो तुमने मीटर रख दिया, अब आर का स्क्वायर करोगे तो मीटर का भी तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। फिर तुमने किया कि भाई तुम्हारे पास एक अदद मास भी उन्होंने दे रखा है, सही है, तो उसका यूनिट तुम्हारे पास केजी होता है। अब चूंकि तुम्हारे पास दो मास है तो तुम केजी का स्क्वायर कर दो क्योंकि तुम्हारे पास एम एम है, सही है। अब तुम अल्लाह के फजल करम से रख दो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, सही है। सो अगर इक्वेशन के अंदर सब्सिट्यूट करोगे सो तुम केजी एम एस -2 टाइम्स मीटर स्क्वायर रेडियस की जगह आ गया और नीचे के जी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू जी, राइट। अच्छा जी, अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो जरा, थोड़ा सा सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सही। ऊपर 1 kg है, नीचे 1 kg है, तो 1 kg से 1 kg कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, 3 मीटर बन जाएंगे, मीटर क्यूब हो जाएगा, सही है। और ऊपर 1 सेकंड स्क्वायर है सो -2, और नीचे वाला 1 kg ऊपर चला जाएगा सो kg -1, सही है। सो ये मेरे पास आ रहा है जी का यूनिट।
बताओ बच्चों, मेरा सही आ रहा है? तुम लोग के जिस तरह से आ रहे हैं, मेरा भी उसी तरह से आ रहा है? नहीं आ रहा, जी सर, यही आ रहा है। बेहतरीन हो गया। आसान भाई, आपने ट्राई किया? खुलून बेटा ट्राई किया तुमने? ओके, जी सर, जी आ रहा है तुम लोग को? यही आ रहा है जी आ रहे। पक्का ना? टोपी तो नहीं पहना रही? नहीं, ओके ओके ओके, चलो। अच्छा चलो, आ जाओ, एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, आ जाओ। इसी तरह का एक और फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ होता है, एफ इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सही है। अच्छा जी, अब अगेन तुम्हारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने तुम्हें इसके अंदर ना चीज़ें बता दी। सही है, F क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स, सही है। देखो, इलेक्ट्रिक हो, ग्रेविटेशन हो, या किसी भी किस्म की फोर्स होगी, उसका जो यूनिट होगा, बेस यूनिट, वो सेम होगा। प्लीज कभी भी घबराना नहीं कि ओहो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई, इलेक्ट्रिक फोर्स का तो फॉर्मूला नहीं पता हमें, ड्रैग फोर्स आ गई, उसका तो फॉर्मूला नहीं पता हमें, ऐसा मत करना प्लीज। देखो, फोर्सेस के जो बेस यूनिट होंगे सब सेम होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके फॉर्मूले डिफरेंट है, राइट? अच्छा, तुम्हारे पास Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं, सही है? ये तुम्हारे पास है चार्ज, सही है? चार्ज ऑन द स्फीयर होता है बेसिकली, चार्ज ऑन स्फीयर। अच्छा जी, और तुम्हारे पास क्या है? आर स्क्वायर बेसिकली डिस्टेंस है, या आर कह दो आप, डिस्टेंस कह दो, या सेपरेशन कह दो, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस और एप्सिलॉन नॉट जो है आपके पास, इसका नाम होता है परमिटिविटी। मिटिविटी, सही है, ऑफ फ्री स्पेस। सही हो गया, इसका यूनिट मुझे निकालना है, बस मेरे पास टेंशन यही है कि मेरे पास से मुझे ना इसका यूनिट निकाल दो। सही, सो फाइन SI बेस यूनिट ऑफ क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। सही, निकाल दो। देखो, ऊपर वाले तीन स्टेप तुमने करने हैं। पहले तो तुमने जो है सब्जेक्ट बना लेना है, सही है? दूसरा जो है तुमने क्या करना है, सबकी जो यूनिट है, बेस यूनिट, उनको अलग अलग लिख लेना है। तीसरा तुमने जो है ना क्वांटिटी, इसको सब्सिट्यूट कर देना है और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आंसर निकालना है। सही हो गया, हसान बेटा तुम सॉल्व करके आंसर बताओगे? सर, आर डिस्टेंस हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो, क्या? सेपरेशन बोले तो सेपरेशन क्या होती है? दूरियां, फिजिक्स वाली दूरियां यार ये, और वो डिस्टेंस पे आप मेजर करते हो। सही है ना और सर, ये लास्ट वाला क्या है? यार, ये गंदी सी चीजें, इसके नाम के पीछे मत पढ़ो, बस निकाल दो। ये बेसिकली परमिटिविटी होती है। सर, इसका मतलब यूनिट कैसे पता चलेगा? मतलब अच्छा, इसका ही फाइंड करना। ओके, आय चलो, हाय, अच्छा चलो, ओके ओके, निकाल दो निकाल मतलब दो। बाद में पढ़ा ना इसके। ओके ओके, हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? अच्छा सर, ये जो कॉन्स्टेंट होता है 4 पाई, इसको तो वो नहीं करते ना कंसीडर? नहीं यार, ये इसको लिफ्ट नहीं कराता, ये फालतू चीज होती है। नंबर है ना, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, हमें हमारा ईमान है कि नंबर जो है ना वो बिल्कुल सही है, वैसा ही है। सही है, ठीक
सर चार्ज के लिए हमने ए ले लिया, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय यू। ना बच्चे, चार्ज चार्ज का फॉर्मूला याद करो ना। चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास होता है आई टाइम एस, सॉरी आई टाइम्स टी। सही है, आई हमारे पास होता है एम्पेयर और टी हमारे पास होता है एस। सही, ये होता है हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला। सही, सो बेसिकली ये वाली चीज़ आपने उसके अंदर रखी होगी, क्यू के अंदर। एक क्यू के अंदर यही आएगा, दूसरे के अंदर भी यही आएगा। बच्चों क्या रिपोर्ट है? सर किलोग्राम मीटर क्यूब ए माइनस वन एम्पेयर माइनस वन आ रहा है। सर है अच्छा, मेरा चलो आसान में तुम्हारा क्या आ रहा है? अच्छा मरियम, तुमने बताया किलोग्राम मीटर क्यूब एम्पेयर नेगेटिव वन, गलती से ये तो नहीं बता दिया तुमने? अच्छा बताया। चलो निकाल लेते हैं। कुलूद बेटा तुम सॉल्व कर रही हो, देख रही हो सिर्फ? सर सॉल्व भी करें सर, अच्छा सिर्फ, अच्छा सॉल्व भी करियो, मतलब ज्यादा देख रही जी हो। फोर्स का, फोर्स का केजी एम स्क्वायर होता है ना। सर के जी एम एस नेगेटिव स्क्वायर, मतलब नेगेटिव 2000। नेगेटिव साइज। चलो तो तुम लोग ने सबसे पहला स्टेप तो तुम लोग ने ये किया होगा। सही है, 4 पाई और आर स्क्वायर और एफ स्क्वायर। सही है, तुमने सबसे पहले स्टेप तो ये कर लिया। सही है, 4 पाई को लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं, कटा देते हैं उसको। सही है, कटा दिया हमने। अच्छा फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि हमारे पास Q1 का आपने रख लिया होगा ए एस। सही है, ए क्यू का, दूसरे क्यू का आपने रख लिया होगा ए एस। सही है, नीचे आपने रख लिया आर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स आपने रख ली के जी मीटर सेकेंड -2। सही है, सॉल्व कर लो इसको। अच्छा जी, जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपके पास ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। नीचे आपके पास हो जाएगा केजी मीटर, नीचे 2 है और 3 मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। सही है, और एस -2। सही है, तो अच्छा तो अब जब एस को ऊपर फेंकोगे तो एस -2 है, जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। सही है, सो नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा, सो एस हो जाएगा +2, पहले से ऊपर है, नेगेटिव वाला ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो S2 पहले से एक था, दूसरा आया वो भी पॉजिटिव हो गया। सही है, एम जब नीचे से ऊपर आएगा सो वो नेगेटिव हो जाएगा, और के जी जब नीचे से ऊपर आएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सही हो गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। सो ए, अच्छा सॉरी ये स्क्वायर था, ए का स्क्वायर था। सही है, ए का स्क्वायर S4 एम का क्यूब नेगेटिव में और के जी -1। सही, मुझे तुम लोग के पास ऐसा कोई आ रहा है किसी के पास? मरियम आपने क्या किया था? सर मैंने एम्पीयर और सेकंड्स को अलग अलग नहीं किया तो शायद उससे गलत आया था। मेरा मेरा केजी -1 नहीं आया, बाकी तो हो रहा था। -1 कैसे हुआ? बच्चों सेंड कर दोगे प्लीज, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो अगर तुम लोग के पास मोबाइल है, जाहिर बात है ओके लेके सर बैठोगे। जी आप सर भी सेंड कर दो, सारे बच्चे सेंड कर दो। खुलूस बेटे तुम्हें समझ में आया, ये तुम ऐसे ही बोल रही हो? जी सर आ गया समझ में। जी पक्की बात है? ओके अच्छा जी जी, मरियम ने सेंड किया और मरियम ने बोला बेटा ये क्या हो गया, नामे आमाल के बिल्कुल साइड में लिख रही हो, छोटी सी जगह बना के, खैरियत तो है, खांचे बाजियां कर रही हो? सर वो मैं फिर बाद में करूंगी ना। अच्छा नहीं नहीं यार, थोड़ा सा इसको जो ना असल में मसला ये होता है कि थोड़ा बड़ा बड़ा करोगी ना तो उससे थोड़ा सा जो ना आसानी होती है। देखो मैं भी इतना बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, मुझसे फंड हो जाएगा कोई? अच्छा, ओके सो आपने एम्पेयर और सेकेंड, बच्चे वो पूरा पे स्क्वायर आना था ना?
आपने जो ऐसे लिखा है ए एस का स्क्वायर, ऐसा नहीं होता ना, वो पूरा का स्क्वायर होता है, तो बेसिकली एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब समझ रही हूँ ना। जी सर, वही गलती की है मैंने। ओके ओके, मीटर स्क्वायर आ गया और उसको आपने एक्स कंसिडर कर लिया है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे गलती कर दी, दूसरे स्टेप के अंदर आपने लिखा के जी मीटर एस -2, ये आपने लिखा। बच्चे देखो, ये एक गलती की है जो कि मैं, इसलिए मैंने तुम लोग को बोला था कि तुम लोग ना पहले इसको सब्जेक्ट बना लेना, एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बना लेना, सही है। उससे मसला ये होता है कि जब एप्सिलॉन को आप सब्जेक्ट नहीं बनाओगे, पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो उसमें इक्वेशन इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो सॉल्व नहीं हो पाती, सही है। अब देखो मरियम, तुमने जो है ना एप्सिलॉन को सब्जेक्ट नहीं बनाया, तो तुमने पहले यूनिट वो कर दिए थे, एक्स तुम्हारे पास एक ही तरफ है। जब तुमने एक्स को उधर फेंका, तो एक्स आपके पास 1/x बनना चाहिए था ना, आपने सिर्फ एक्स बना दिया, राइट, समझ रही हो, जी सर, जी सही है। सर, ओके, तो वो गलती की है, तो उसकी वजह से जो भी आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल रेसिप्रोकल आना चाहिए था। सो के जी भी -1 होता है, ये -3 होता है, और ये आपने एक पावर की मिस्टेक की थी, सही है। तो आपका तो मसला हल हो गया। अच्छा जी, दूसरे अल्लाह के बंदों ने मुझे भेजा है, ये काम किया है ना बंदी ने। ओके, बेहतरीन बेहतरीन बेटा, ये छोटी बहन की तुमने पेंसिल मारी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं जी सर, मुझे पेन खुशबू नहीं मिला था, मैंने कलर है उठा लिया था। ना। ओके, के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, हाँ सही हो गया। अच्छा जनाब, हसान मियाँ ने भेजा है, ओहो। अच्छा ओके भाई, जब आपका केजी ऊपर आएगा तो वो केजी -1 में चले जाएगा ना यार, समझ रहे हो ना, हसान सही सही समझ गया, भी सही समझा है ना। ओके था। चलो, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, सही है। तो आ जाओ भाई, थोड़े से और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करा दें ताकि तुम लोग चीता हो जाओ, सही। इस चैप्टर के अंदर फिलहाल कुछ ऐसी चीज नहीं थी।